फतेहाबाद में बीते दिन हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के जई सुभाष को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने गांव के जलघर के आसपास के पेड़ों को बिना परमिशन के काट डाला। लेकिन अब इस मामले में डिप्लोमा इंजीनियर यूनियन सामने आ गई है। इससे पहले उनके द्वारा डीसी को मांग पत्र सौंपकर यह चेतावनी दी गई कि अगर सुभाष पर कोई कार्रवाई होती है तो डिप्लोमा इंजीनियर्स इसका विरोध करेंगे। आज भी इसको लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया और डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कहा कि अगर जेई सुभाष पर कार्रवाई होती है, उसे सस्पेंड करने के आदेश बरकरार रहते हैं तो शहर का पानी भी बंद किया जा सकता है, उससे भी जेई एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने अपने जेई का पक्ष लिया और कहा कि जेई सुभाष का पेड़ों की कटाई से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही यह पेड़ काटे हैं और लिखित में भी जेई सुभाष को इसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा पत्र दिया गया है। ऐसे में जेई सुभाष पर कोई कार्रवाई बनती ही नहीं तो मंत्री महोदय ने कार्रवाई कैसे कर दी? सर, ये मामला हमारे सुभाष जी जो कि पब्लिक हेल्थ में कार्यरत हैं, उनके जो पीछे सी ग्रेविसीज की मीटिंग हुई थी उसके अंदर उनकी बिना पक्ष सुने माननीय मंत्री जी ने उनको सस्पेंड कर दिया, जो कि उनके आदेश जारी किए। इस बारे में हमने सोमवार को डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन देते हुए कि कोई गलत नहीं होगा, इस बारे उन्होंने अपना रिकमेंडेशंस करके और एक कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट लेने उपरांत ही वो उसके आगे प्रोसीडिंग लिखने का उन्होंने आश्वासन दिया। परंतु मेल के द्वारा हमें प्रोसीडिंग्स का पहले ही पता चल गया कि जो उन्होंने कार्रवाई की उनकी प्रोसीडिंग बिल्कुल उनके जो विचार थे उसके खिलाफ थी। जो उन्होंने बताया था भाई वो सेम नहीं कही, हमें आश्वासन कुछ दिया गया लेकिन प्रोसीडिंग में इनकी सिफारिश की गई, रिकमेंडेशन दी गई कि इनको सस्पेंड किया जाए, ये जो सरासर गलत है, जो कि प्रशासन एक कर्मचारी का साथ नहीं दे रहा। मामला ये था कि सुभाष जी द्वारा इनके जो तमसपुरा वाटबक्स के अंदर कार्य करवाया जा रहा था, उसके दौरान कुछ झाड़ीनुमा पेड़ पौधे थे जिसके लिए ग्रामीणों ने खुद इकट्ठे होकर उनको निकाला था। एक पेड़ था जो पहले से दीवार के साथ में था, गिरा हुआ था, जहाँ से जो आंधी के अंदर गिरा था और उसके स्पेस होने के कारण, दीवार गिरने के कारण वहाँ से आवारा पशु और कुत्ते वगैरह आ रहे थे जो पानी को प्रदूषित भी कर रहे थे, इसलिए उस पेड़ को तो जरूर निकाला गया, लेकिन वो भी इनके द्वारा नहीं निकाला गया, ग्रामीणों द्वारा निकाला गया। ग्रामीणों ने इनको लिखित में भी दे रखा है कि भाई ये पेड़ ग्रामीण अपनी सहमति से निकाल रहे हैं, जबकि ना उसके ऊपर कोई नंबर था ना फॉरेस्ट की कोई कार्रवाई बनती है, परंतु मंत्री जी ने बिना कोई पक्ष सुने इनके खिलाफ ऐसे तानाशाही, सरकार जो अपनी दिखा रही है तानाशाही चीज़ों को उसको कर रहे हैं और तानाशाही को थोप रहे हैं। कर्मचारियों को तो बिल्कुल चोर समझा जा रहा है, नकारा समझा जा रहा है, भ्रष्टाचारी समझा जा रहा है, लेकिन ऐसी नहीं है। कृपया आप इनके तरफ से देख, इनको भी दिखाने की कोशिश करें कि ये इतने सीनियर आदमी हैं जो काफ़ी टाइम से इस महकमे में काम कर रहे हैं और बिना कुछ पब्लिक के लिए, इनका काम सीधा पानी से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ से प्रदूषित पानी ही आगे जाएगा तो आगे के लोग क्या पियेंगे, इसलिए इन्होंने वो जनहित में कार्य करवाया गया। एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, इस मामले में सुभाष जी का कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रशासन और शासन अगर दोनों ही इस तरह की तानाशाही बरतेंगे तो हम बिल्कुल उनके फैसले के खिलाफ उतरेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो वर्क सस्पेंड भी करेंगे। अगर फिर भी प्रशासन हमारे खिलाफ रहा या सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो उसके खिलाफ हम जाते हुए हम वर्क सस्पेंड करके और पानी की सीवरेज की सप्लाई भी बंद करेंगे, ये हमारा लास्ट निर्णय होगा, लेकिन हम जनहित को देखते हुए एकदम से इतने कड़े फैसले नहीं लेंगे।